देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास नौकरशाह एवं बीजेपी से एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा ने राजनीति ज्वाइन करते ही एक के बाद एक मऊ जनपद के विकास के लिए फैसले ले रहे हैं। वहीं शासन को जनपद के विकास के लिए लिखे गए पत्रों पर तुरंत एक्शन भी लिया जा रहा है। इसी के क्रम में एमएलसी अरविंद शर्मा ने उत्तर प्रदेश रोडवेज के सचिव एवं कमिश्नर रोडवेज को मऊ जनपद के रोडवेज बस स्टैंड को दुरुस्त करने एवं परिसर का सुंदरीकरण करने के लिए कहा था। वहीं जिसके बाद तुरंत ही जनपद के रोडवेज परिसर के सुंदरीकरण का कार्य शुरू हो गया। साथ ही अरविंद शर्मा मऊ जनपद पहुंचे और रोडवेज परिसर के हो रहे सुंदरीकरण के कार्य का जायजा लिया। वहीं अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि उनके पिता मऊ रोडवेज में कार्यरत थे, जिनकी वजह से वे मऊ रोडवेज के इस परिसर में रहकर शिक्षा दीक्षा अर्जित की। वहीं इस रोडवेज परिसर में मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने भी उत्तर प्रदेश रोडवेज के सचिव एवं कमिश्नर को यहां का सुंदरीकरण करने के लिए कहा है, जिसके बाद से यहां सुंदरीकरण का कार्य शुरू भी हो गया है। वहीं एक दो महीनों में यह रोडवेज परिसर काफी दुरुस्त एवं देखने लायक हो जाएगा। मैंने दस दिन पहले उत्तर प्रदेश रोडवेज के सचिव और इनके जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारा बस स्टेशन काफ़ी कुछ मरम्मत इसको चाहिए, काफ़ी कुछ इसके सुंदरीकरण की आवश्यकता है। इसलिए भी मैंने कहा कि मैं इसी सामने वाली कोठरी में 5-6 साल रह करके मैंने पढ़ाई किया है। हमारे पिताजी इस स्टेशन पे काफ़ी दिनों तक पोस्टेड थे और मेरी बड़ी यादें हैं इस जगह से और इस विशेष रूप से इस कोठरी से, इस बस स्टेशन से। तो मैंने आरएम साहब से भी प्रार्थना किया कि आप कृपा करके हमारे बस स्टेशन का कुछ जीर्णोद्धार करें, मरम्मत करें, नवीनीकरण करें। मुझे बड़ी खुशी है कि 7-8 दिन के अंदर ही रोडवेज विभाग ने, ट्रांसपोर्ट विभाग ने काफ़ी कुछ शुरुआत कर दिया। आप देख रहे होंगे ईंटा निकला हुआ और इसकी खुदाई हो रही है और आगे क्या करने वाले हैं वो आप हम लोगों को बता दीजिए साहब। नरेंद्र मोदी, अखंड भारत न्यूज के लिए धीरेन्द्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, मऊ।